खबर उदयपुर से है। उदयपुर जिले के मावली में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस हादसे के बाद मालवी के लोग सदमे में हैं। आपको बताते चलिए कि सभी आदिवासियों में आक्रोश है और यहाँ पर हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आदिवासियों ने न्याय की गुहार लगाई है और इसी के साथ ग्रामीण से विधायक प्रत्याशी और AICC सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने कहा कि मालवी में हुई यहाँ पर हादसे को लेकर परिवार सहमा हुआ है और गांव में लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि आदिवासियों के साथ हमेशा इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। आरोपी कमलेश जैसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतका के परिजनों ने जो भी मुआवजे की मांग की है उसकी यहाँ पर मजबूती पैरवी करते हुए न्याय दिलाने की भी कोशिश करूँगा। जिस तरह की लोपड़ा मामले में ये घटना घटी कि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसका उसके टुकड़े करके उसको मार दिया गया, ये एक हृदय विदारक घटना है और मैं कभी भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से कुछ ऐसे तत्व हैं समाज में, जैसे कमलेश राजपूत की बात करें, मैं तो सरकार से यही मांग करता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि हमारे पीड़ित जो हमारे आदिवासी जो परिवार है और आदिवासी जो बच्ची है उसको न्याय मिले। और साथ ही साथ में तो सरकार की में हम लोग बैठे हैं तो परिवार वालों ने 50 लाख की मांग की है तो मैं यही बात सरकार तक हम पहुँचाएँगे, उनको जल्द से जल्द उनको राहत मिले और उनको जो भी उनकी मांगे हैं उनको जल्द से पूरी हो तभी उनको। खबर लाल